कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं हो सकती, इसका उदाहरण है टोनी कक्कड़। अबे भांग पीकर गाना बनाते हो क्या? पब्लिक बोल रही है उनको गाना पसंद नहीं है, तो क्या गाना इसलिए बनाते हो ताकि उनको परेशान कर सको? अब यही बोलोगे ना, यार क्या जरूरत है उसको सुनने की? अरे क्या करें यार, इंडियन यूट्यूब का जो ट्रेंडिंग पेज है, जहां पर अच्छी चीजें नहीं घटिया चीजों को प्रमोट किया जाता है, ज्यादातर 90% घटिया चीजें वहां पर आप लोगों को मिलती है, वहां पर भूले भटके वहां चले जाते हैं और वहां ये ट्रेंड कर रहा होता है ये गाना, तो मजबूरन ये कचरा सुनना पड़ जाता है वहां पर। और जिसने भी इस गाने को लाइक किया है, एक बार जरा मुझे बता दो यार, तुम्हें इस गाने में क्या दिखा, मतलब क्या नजर आया? क्या लिरिक्स बहुत अच्छे थे, या फिर गाना मतलब इसकी आवाज बहुत अच्छी थी, या फिर जो भी थी, कुछ कुछ भी अच्छी चीज मुझे बताओ इसके अंदर। पहले दूसरी क्लास के जो बच्चों के राइम्स होते हैं उनको चुरा कर, मतलब वहां से भी कुछ सीखता नहीं है, वो उनको चुरा कर अपने गाने बनाने वाले टोनी कक्कड़ भैया के यार मतलब क्या ही लिरिक्स हो सकते हैं यार, सोच कर देखो जरा। अब चाहे छोटे बच्चे मुझे मारने को आ जाए, कहते मैंने उनका कंपैरिजन टोनी कक्कड़ के साथ कैसे कर दिया। सीरियसली मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि टोनी भैया गाना किन के लिए बनाते हैं, पब्लिक के लिए कि पब्लिक इसको सुनेगी और वो एक सुनहरी दुनिया में खो जाएगी, या फिर अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि जिस वहम में वो इंसान है कि मैं सिंगर हूं, लिरिक्स बहुत अच्छा लिखता हूं, या इसके लिए अपना गाना बनाते हैं। अगर वो अपना गाना पब्लिक के लिए बनाता है तो एक बात तो बनती है कि पब्लिक की सुननी भी चाहिए, और पब्लिक के सुनेंगे कहां से? ऐसे चलो माना कि आप पब्लिक में नहीं जा सकते, वहां से आप सुन नहीं सकते कि पब्लिक क्या कहना चाहती है, एटलीस्ट कमेंट बॉक्स को तो पढ़ लिया करो ना। और वैसे भारत में पब्लिक से बड़ा तो कोई है भी नहीं, जहां अपने कमेंट बॉक्स को पढ़ोगे तो खुद पता चल जाएगी कि पब्लिक क्या चाहती है, और शायद तब तुम अपना ये गाना गाना बंद कर दो या फिर अपने गाने पर मेहनत करना शुरू कर दो। और अगर टोनी भैया पब्लिक के लिए गाना नहीं बना रहे, खुद की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए गाना बना रहे, तो गाना अपने फोन तक ही रखो ना यार, बाहर क्यों लेके आ रहे हो, या फिर उन रीलर्स या उन टिकटॉकर्स को दे दो यार जो इस गाने के ऊपर ठुमका लगाते हैं। और जरूरी नहीं कि अगर बहन सिंगर है जिसने मेहनत करके आगे अपना नाम कमाया है तो उनके बेस पे आगे आने की कोशिश करो यार, कुछ और ट्राई करो यार, मेहनत करो किसी और चीज के अंदर, इसमें नहीं चलने वाला भाई साहब, बिल्कुल नहीं चलोगे। और गाना आया नहीं होता कि उससे पहले तुम्हारे मीम आने शुरू हो जाते हैं, और ये अलग से वहम पाल रखा है कि मीम हिट गानों के बनते हैं, फ्लॉप गानों के नहीं। अभी तुम्हें सुनाता हूं यार इसके जो लिरिक्स हैं कितने हिट हैं वो। मैंने सिर्फ दो ही लाइनें लिखी हैं जिसमें मैं आगे बोला तू बोली, इसमें 5 बार पीछे पीछे बोलेगा इंसान, पीछे 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 पीछे, फिर अगली लाइन तेरी गाड़ी के पीछे पीछे 2 बार पीछे पीछे, फिर हां जी पीछे वाली सीट पे, मतलब खुद को गोली मारने का मन कर रहा है। अरे नशा ले रखा था क्या ये लिरिक्स लिखने से पहले? अगर तुम्हारे लिरिक्स में से सिर्फ शब्द वो अलग कर दूं जिनकी रिपीटेशन को हटाकर, रिपीटेशन हटाकर सिर्फ शब्द निकालूं कितने शब्द इसमें यूज किए, तो 10 ही शब्द मिलेंगे मुझे हद मार के, बाकी तो उनकी रिपीटेशन ही है उनमें। और तुम इतना घटिया सोच कैसे लेते हो यार, यही सोचकर मुझे घिन आ रही है। और देखो टोनी भैया, अगर तुम्हें शब्द की कमी पड़ रही है तो यार जाकर अपने कमेंट बॉक्स को खोल लो, वहां पर लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिख रखे हैं, वहां से उठा लो यार, तुम्हें शब्द की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। वैसे भी यार तुम कॉपी पेस्ट करने में माहिर हो, जैसे ये वाला जो गाना है बूटी बूटी, ये जो भी था इसके अंदर जो तुमने कॉपी किया, इसकी थीम को जहां का ये सेट है वो बिल्कुल तुमने ब्लैक पिंक से कॉपी करके डाला यहां पे। रही बात तुम्हारे गाने पे व्यूज की, वो तो देखो भाई साहब वहां पर लोग कॉमेंट पढ़ने जाते हैं, उनको कॉमेंट सेक्शन जो है वहां पर बहुत ज्यादा पसंद आई। तुम्हारे ऐसे गाने हैं जहां पर लोग गाना ने नहीं, गाने को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स पढ़ रहे होते हैं, कुछ तो अपने दिमाग का यूज कर लो यार, आईक्यू लेवल कुछ है ही नहीं क्या यार, फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के नाम के ऊपर आगे आना चाहते हो यार, कुछ तो मेहनत करो, कुछ अपना नया ट्राई करो, बस ये क्या फालतू के रिपीटेड रिपीटेड चीजें लेके आ रहे हो यार, एक गाना लिखा कि उस गाने में 2 लाइनें होती हैं, 2 लाइनों के बाद उन्हीं को रिपीट करके बोलना, ये गाना होता है क्या यार? तुम्हारे गानों से ज्यादा कमेंट सेक्शन लाख गुना बेटर होते हैं जिनको पढ़कर यार बहुत ज्यादा हंसी आती है। तो बस बस आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। He gonna get chance when he